के इस पवित्र प्रांगण में चलता हुआ हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जिसमें हमारे मध्य प्रदेश शासन के आप मध्य प्रदेश शासन में उन चुनिंदा 5 मंत्रियों में हैं जो विकास के लिए साथियों वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती रामाबाई आजीविका सुसहायता समूह बरई इसके बाद कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन दोनों हमारे कृत किए गए हैं। निश्चित तौर पर ये काफी बड़ी राशि है राधा रामाबाई आजीविका सुसहायता समूह। थोड़ा सा सभी लोग शीघ्रता करें क्योंकि उसके बाद आपके लिए और भी काफ़ी अच्छे कार्यक्रम भी हैं और आएगा लगातार जिलाधीश महोदय का मुझे जैसा आदेश प्राप्त हो रहा है कि सिर पर छत हो ऐसा माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है वो साकार हो रहा है। बरई ग्राम पंचायत से कमला आदिवासी गृह प्रवेश की चाबी प्राप्त करेंगे। निश्चित तौर पर ये खुशी की जो सबका सपना होता है नए घर का और निश्चित तौर पर आज आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के ग्राम पंचायत बरेश चंदा संजीत आदिवासी गृह प्रवेश की चाबी प्राप्त करें। गीता मुन्ना आदिवासी नीता बलवंत आदिवासी मलखान भुजू आदिवासी इनको सभी को नए घर की चाबी प्रदान की जा रही है जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और आज वही सपने को साकार होने जा रहा है हमारे ग्राम पंचायत बरेश में। सभी सम्मान्य मंचासीन अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री और सभी अतिथिगण नए घर की चाबी प्रदान करते हुए हमारे सभी हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण योजना है। इसी क्रम में मैं प्रेम नगर से भारतीय आदिवासी मोनू आदिवासी अंजलि आदिवासी रामचमेली आदिवासी और कमलावती आदिवासी अपना आयुष्मान कार्ड प्राप्त करेंगे। एक बार पुनः सुने भारतीय आदिवासी जी मोनू आदिवासी जी अंजलि आदिवासी जी रामचमेली आदिवासी जी और कला अपना आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने के पश्चात पुनः अपने यथा स्थान पर क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रायपुर ग्राम पंचायत से सामुदायिक जो स्वच्छता परिसर है धामी बाबा के आश्रम के पास में वहां पर स्वीकृत राशि की गई है 4,75,000 रुपए। निर्माण कार्य जो जनपद पंचायत का के कार्यकाल में है ये किया जाएगा तो रायपुर के जो सरपंच है वो आए तौर पर जो डिमांड थी उसको पूरा किया है मध्य प्रदेश शासन ने और उसी क्रम में आज ये आपको स्वीकृत राशि का चेक प्रदान करते हुए हमारे अतिथिगण नया गांव के सरपंच रायपुर के सरपंच और लखनपुरा वहां पर भी यात्री प्रतीक्षालय जो चंदूपुरा तिराहे पर बनना है डूडापुरा झाला वहां पर भी 4,75,000। आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे वर्ष भर का भगवान बिरसा मुंडा जी के एक कार्यक्रम बनाया है और इसमें विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इन समाजों के उत्थान के लिए और इनको एक संबल पूरे परिवार को मिले जिसमें रोजगार के साधन भी हों इनकी समस्याओं के निराकरण भी हों और सारी सुविधाएं इन्हें मिले शिक्षा के क्षेत्र में भी वो सुविधाएं सारी मिले